आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश कटनी जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्रा गोमी द्वारा जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में समीक्षा बैठक लेते हुए सचिव, सहायक सचिव एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ द्वारा मंगल भवन ढीमरखेड़ा में आयोजित बैठक में विकास कार्य संबंधी लेबर बजट, जल शक्ति के तहत हर घर में नल आवंटित करना एवं राशन वितरण के संबंध में जानकारी ली गई एवं लापरवाही करने वाले पर कार्यवाही के भी निर्देशित दिए। वहीं बैठक में जिला सीईओ द्वारा पीएचई विभाग को फटकार लगाते हुए बताया कि जल शक्ति योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों में सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं क्वालिटी में समझौता किया जाता है तो पीएचई विभाग कार्यवाही के लिए तैयार रहें। जल शक्ति योजना के तहत हर पंचायतों को राशि आवंटित कर दी गई है, जिससे आगामी गर्मी के सीजन में आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति के लिए राशि का उपयोग कर विकास कार्य कर सकते हैं। वहीं चर्चा में जिला सीईओ द्वारा बताया कि क्षेत्र में उठ रही मुद्दों एवं प्रकाशित खबरों को गंभीरता से लेते हुए मामलों की जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान जनपद सीईओ विनोद पांडे, खाद्य निरीक्षक प्रमोद मिश्रा, सहायक यंत्री इक्वल खान, संतोष पाठक, शिवानी श्रीवास्तव, दीपक रंगडाले आदि उपस्थित रहे। रिपोर्टर सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट। शौचालय बने हैं स्वच्छता अभियान के तहत, तो इनमें सब में ताला लगा हुआ अधिकांश ग्राम पंचायतों में देखे, ऐसा क्यों? सीएससी में जितने भी अभी शौचालय बने हैं, सीएससी की आप बात कर रहे हैं, सीएससी में अभी जो भी काम पूरे हो रहे हैं उनमें जैसे जैसे इनकी साफ सफाई की व्यवस्था हम पहले सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इनको बनाने के बाद में अगर स्टार्टिंग कर देंगे और इनकी सफाई की व्यवस्था अगर सुनिश्चित नहीं हो पाएगी तो बड़े समस्या आ जाएगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी स्वच्छता की राशि है उसमें से पहले इनकी सफाई की व्यवस्था ग्राम पंचायत सुनिश्चित कर ले, उसके बाद इनका सर। बहुत सी ग्राम पंचायतों में शिकायत की गई भ्रष्टाचार की, लेकिन उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती जनपद से जिला स्तर पर, ऐसा क्यों सर? जनपद और जिला स्तर पर दोनों पर भ्रष्टाचार के लिए तीन जनपदों की जो रिपोर्टें थी उसमें FIR भी दर्ज हुई है, लोग हाईकोर्ट में भी पनाह मांग रहे हैं बराबर, और लगातार कार्रवाई हो रही है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि 33 जनपद पंचायत के हमारे पंचायत के सचिव और GRS जो है वो सस्पेंड पड़े हुए हैं, कम से कम 33 तो सस्पेंड है और लगभग 43 लोगों की विभागीय जांच चल रही है। तब ये डाटा ऐसा नहीं होता जो बहुत रोज हम प्रेस में तो दे नहीं पाते हैं, लेकिन कार्रवाई सब पे चल रही है बराबर। रिकवरी के भी केसेस चल रहे हैं, रिकवरी के जितने केसेस हैं लगभग 200-250 केसेस वो धारा 89 के लिए हमने कलेक्टर साहब के न्यायालय में भेज दिए हैं, वो जैसे ही वहाँ से ऑर्डर हो जाएंगे तो सब पे कार्रवाई शुरू। सर बहुत सी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता मिशन के तहत बनाए गए जो शौचालय है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, शौचालय बने नहीं, राशि आहरित कर ली गई और बिचौलिए लोग खा गए, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या आप? अगर ऐसे कोई मेजर इश्यूज जो भी आएंगे उन पे काम होगा, और अगर इस तरीके की कहीं भी गड़बड़ी हो रही है तो उस पर बाकायदा कार्रवाई होगी, उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। ये हो सकता है कि धीमी गति हो सकती है, लेकिन बख्शे कोई नहीं जाएंगे, मेरी तरफ से किसी को कोई संरक्षण नहीं है। सर देरी पाठक में सचिव को कम से कम। अगर आप रोज नए नए अंचल के समाचार को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल JX न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।